नमस्ते, मैं हूं संध्या सिसोदिया और आज हम एमपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान सेट ए के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे, ताकि आप अपने अंकों का अंदाजा लगा सके कि आपको विज्ञान विषय में कितने अंक मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और पहले पहले ही एक रासायनिक अभिक्रिया दी है और ये उदाहरण तो पाठ एक में कई बार आपने पढ़ा होगा। ये अभिक्रिया आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, सामान्य रूप से उसका उपयोग किया जाता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? तो जिंक की परत चढ़ाकर लोहे की फ्राई पैन को जंग से बचाया जा सकता है। ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह पूछा है, तो ब्यूटेनॉन में जो नॉन सफिक्स होता है वो कीटोन के लिए होता है। नॉन प्रत्यय जो है वो कीटोन को दर्शाता है। आपके पार्ट 4 कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत एक सारणी बनी हुई है एनसीईआरटी में, और वहां पे आप हर प्रकार्यात्मक समूह के लिए जोड़े जाने वाले प्रत्यय को देख सकते हैं। वहां पर लिखा है ब्यूटेनॉन के लिए कीटोन शब्द जब जोड़ा जाए, इसका मतलब है कि नॉन शब्द जोड़ा है यानी कीटोन उपस्थित है प्रकार्यात्मक समूह के रूप में। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बने तो क्रिया क्या कहलाएगी या कहाँ होगी? तो कहाँ होगी यह क्रिया है श्वसन की, और कोशिकीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। ये प्रश्न पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे कैपिटल में छप गया है CM, लेकिन इसे आप स्मॉल पढ़े, ये सेंटीमीटर है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। सत्य सत्य देख लेते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये कथन असत्य है, क्योंकि जब आप चुंबकीय रेखाओं के गुण पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा होने पर उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, ये कथन असत्य है, क्योंकि ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा प्लेनेरिया में भी देखा जाता है और छिपकली की पूंछ में भी आप इस प्रक्रिया को देखते हैं, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये कथन असत्य है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा आप पढ़ेंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, अवशोषण नहीं होता ऊष्मा का इस अभिक्रिया में। आइए अगला प्रश्न देखें, जोड़ी मिलाने का प्रश्न है। संगमरमर, तो संगमरमर रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिरका, इसका एक और नाम आपने पढ़ा होगा एसिटिक अम्ल। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, द्रव रूप में पाई जाने वाली अधातु का नाम ब्रोमीन है। बेंजीन, बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें 6
कार्बन और 6 हाइड्रोजन उपस्थित है। लिंग गुणसूत्र युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ी। तो लिंग गुणसूत्र युग्म एक्स वाई भी है और एक्स एक्स भी है, दोनों ही सही है। इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियमन करने वाला एक हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय द्वारा किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रक्तदाब किसे कहते हैं? तो शिरा और धमनी की दीवार पर रक्त द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को आप रक्तदाब कहते हैं। लेकिन जो आप नापते हैं 120/80 mmHg, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो आप पढ़ते हैं, वो जब हृदय में रक्त होता है और हृदय के कक्षों के फैलने और सिकुड़ने के समय जो वो दबाव हृदय में महसूस किया जाता है, वही दबाव रक्तदाब के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो असल में रक्त के द्वारा लगाया जाने वाला दबाव ही है ये, जिसे आप रक्तदाब कहते हैं। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम है जिब्रेलिक एसिड, इसे आप जिब्रेलिन भी कहते हैं। वंशा गति के प्रमुख नियम किसने दिए हैं? द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये नियम दिए हैं। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और इसी कारण उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इस कारण लाल रंग के प्रकाश को बहुत दूर से देखा जा सकता है, इसीलिए खतरे के संकेत हमेशा लाल रंग के होते हैं। आपके ट्रैफिक लाइट में भी रुकने का सिग्नल लाल रंग का ही होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। MRI का पूरा नाम लिखिए। तो ये एक चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली तकनीक है, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आज के सारे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जवाब मैंने आपको दिए हैं। इस सबको देखते हुए आप बहुत अच्छे स्कोर कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।